से हाय टू माय सब्सक्राइबर। बापू जी मैं तो थक गई क्योंकि हम भटक गए थे। सो गाइज इस टेम्पल के बिल्कुल जो लेफ्ट साइड है ना वहाँ पे हमें अभी जाना है नीचे पांडुरोपा देखने। हम नीचे जा रहे हैं, पापा चल पड़े हैं, आई एम गोना फॉलो हिम टू। तो चलो चलते हैं पांडुरोपा देखने जहाँ पे दलदल सा है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप चलोगे तो पूरा हिलता है, ऐसे सुनने में आया है। तो लेट्स एक्सप्लोर दैट टू। वाओ कितनी प्रीटी सीनरी है ना पापा। बिल्कुल कितना सुंदर है ये नजारा। वेरी नाइस। आप आने वालों को बोलो कि अगर अभी तक नहीं ये जगह एक्सप्लोर किया तो करो यार, करो यार। पापा डोंट कॉपी, डोंट कॉपी मी। ओके अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमको सामने क्या दिख रहा है बाबा? बहुत सारी बेड़े हैं। तो गाना गाओ फिर। बेड़ा तेरी आहो चुग दिया पाठनी पाथ पत्ते। अच्छा पात। ओके मैं पाठ बोलती हूँ। पात। अच्छा पात नीलमा। सो हम आपको दिखाते हैं आगे वाली भेड़े। कितनी सही भेड़े हैं भै। पापा आपको बुला रही है वो। की हाल है डे होता तू आओ ना ती। तो हम लोग काफी नीचे आ गए हैं, अभी हमको इससे थोड़ा सा और आगे जाना है। आई गेस 5-10 मिनट का ट्रैक होगा इससे आगे। तो अरे वैसे पापा क्या होता है जो भेड़ा चराने वाले होते हैं वो कैसे उनको गद्दी बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं गर्मी और सर्दी में? गर्मियों में वो पहाड़ों की ओर जाते हैं। हाँ हाँ। और सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनकी भेड़े सर्वाइव क्लाइमेट में सर्वाइव करती हैं। अच्छा ठीक है। Look at it. Hi. Say hi to my subscriber. Hi Gaya. Hi Gaya. पापा कैसा लग रहा है आपको? अगर मैं ना होती तो आप भी मिस कर देते ना, है ना? ये कब देखते आप फिर? थैंक्स टू मी, ऑल थैंक्स टू अंकिता शर्मा। वो बोलते हैं स्नेक प्लांट। ये है स्नेक प्लांट। नागछत्री। नागछत्री बोलते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसी जगहों पे। पांडू जी तो कम आ रहे हो, खुद से पापा ने नामकरण कर दिया पांडू जी। अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सी लेक है, यहाँ पे छोटी सी तालाब सा है तो ना, मतलब हाँ वैसा ही कुछ है। तो अभी हम यहाँ पर पत्थर पे बैठ गए हैं सो दैट कि हम कुछ खा सके और पापा का बैग थोड़ा हल्का हो जाए। कैसे जोत के वो शक्कर पाले? बहुत ही स्वादिष्ट। आप लोग भी खाना। अब हम लोग ना तुक्के मार रहे हैं गाइस क्योंकि हमें नहीं पता है पांडुरोपा कौन सी वाली साइड को है। तो हम यहाँ से तो ऊपर से तो नीचे आ गए उस लेक वाली साइड से। अब हम थोड़े कंफ्यूज है कि हम लेफ्ट साइड जाएं या राइट साइड जाएं। अब कौन सी साइड चले? नीचे को चले, इधर से ले लो मेरे को। कम से कम हम लोग उल्टी तो निकलते हैं। लेफ्ट उल्टी चलेंगे क्योंकि इधर से पर एक रास्ता मारे को। तुक्के मारे तुक्के। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं। डू वी गोना फाइंड पांडुरोपा और नॉट? बने रहिए हमारे साथ टू सी द थ्रिल लाइफ ऑफ अंकिता शर्मा एंड हर फादर। प्रे करो कि हमें पांडुरोपा मिल जाए ताकि हम सब लोग देख सके पांडुरोपा जो कि पांडूज ने बनाया था, 5 पांडवों ने बनाया था ऑन द टाइम ऑफ देयर एग्जाइल। तो आई गेस कुछ तो है नीचे, है ना? कुछ तो है नीचे। तो वहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखो मेरे बिल्कुल वहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन सा। ऐसे बोला था उन्होंने कि ये ना थोड़ा सा दलदल सा है, अगर हम इस पे पैर रखते हैं तो ये हिलता है। अब लेट्स सी ये वही जगह है या फिर कुछ और जगह है। बारिश भी शुरू हो चुकी है गाइज यहाँ पर और हम पांडुरोपा आई गेस पहुँच रहे हैं। इफ़ वी आर लकी इनफ तो हम शायद पहुँच ही जाए। सो गाइज फाइनली हम पहुँच गए हैं पांडुरोपा। पापा ने डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी की थी, वी वर ऑन द राइट ट्रैक। तो हमने लेफ्ट 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 लिया और हम पहुँच गए पांडुरोपा। और ये आप देख सकते हो ग्रीनरी से भरा हुआ है ये पांडुरोपा जो कि पांडुज के टाइम बना हुआ था। तो यू कैन से कि महाभारत की जो घटनाएँ हैं वो हिमाचल में कितनी रेलिवेंट है, मतलब आज भी इनके तथ्य हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइज पापा बोल रहे हैं कि ये ना पांडुरोपा नहीं है, पांडुरोपा शायद आगे हैं और दलदल सा है। तो पापा आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आगे है?
ये दलदल नहीं है ना, ये तो दामन जैसी, इधर दामन सी तो पता नहीं इसके ठीक आगे है अभी। I thought we have reached यहाँ पे पांडुरोपा में, पर let's see, क्या पता आगे कुछ और एक्साइटिंग हो। और गाइस यहाँ पे ना बारिश हो गई है स्टार्ट, तो आपको कैसा लग रहा है, आपको बारिश भी हो गई है स्टार्ट? बहुत गंदा। सो गाइस पापा वॉज राइट, ये है पांडुरोपा और अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके वहाँ देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे दलदल सा है, तो शायद ये वो वाला दलदल है। और यहाँ लुक एट पापा, पापा बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। अंकिता शर्मा और अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हेलो हेलो, मैं पांडुरोपा से बोल रहा हूँ। ये वाला थोड़ी परे वाला है, दलदल अंदर वाला। हाँ नहीं होता कुछ, आगे निकल चल के पार। तो हम हैं हिमाचल की ऊंचाइयों पे। मैं थक गई बाबूजी, मैं तो थक गई। बाय फ्रॉम आर साइड एंड बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे, टाटा फ्रॉम पांडुरोपा। सो गाइस हमारे साथ बहुत बड़ी खप हो गई। क्या हुआ पापा? वो तो ट्रेलर था पांडुरोपा का। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइस जो हमने ना आपको पांडुरोपा दिखाया, वो पांडुरोपा नहीं था, वो तो हमें लकीली एक अंकल मिल गए पीछे, तो उन्होंने हमें बताया कि पांडुरोपा ये नहीं है, पांडुरोपा थोड़ा आगे है, वहाँ पे धान भी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं रियल पांडुरोपा, जो पांडुओं के टाइम लगाया गया था। उन्होंने क्या स्टोरी बताई थी पापा हमको, कि पांडवों ने यहाँ पर धान उगाया था, तब तक रात खुल चुकी थी और वो यहाँ से निकल गए। हाँ, क्योंकि वो एग्जाइल पे थे ना, तो फिर उनको जगह जगह बदलनी पड़ती थी। तो ये धान आप यहाँ पे देखना आप कैसा है। सो ये है रियल पांडुरोपा। अब मुझे दलदल देखना है पापा, यहाँ आके नहीं दलदल देखा, तो कहाँ देखा? हाँ। सो गाइस बारिश भी शुरू हो गई है और ये देखो धान यहाँ पे, ये सारा धान है, सच में बोला उन अंकल ने। सो गाइस बारिश हो गई है शुरू और हम पहुंच गए हैं फाइनली पांडुरोपा में। सो गाइस घनघोर बारिश के बाद हमने पहन लिए पॉन्चूस और हम यहाँ पांडवों के रोपे में फंसे हुए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं इस हालत में। तो इट्स अ हैप्पी एंडिंग ऑल दो, है ना पापा? तो अगर ये रोपे का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत। बारिश का लुत्फ उठाते हुए हम ऐसे जा रहे हैं कवर अप होके। आई एम लविंग दिस, रेड सा कलर का है ये पोंचू। अरे पापा निकल गए हैं थोड़ा सा आगे, अब हम जा रहे हैं वापस जलोड़ी पास, जो कि मुझे सुनने में आया कि यहाँ से शॉर्ट वाला रास्ता जाता है जलोड़ी पास के लिए, तो अभी हम बोलेंगे ट्रैक, तो उसके बाद हम पहुँचेंगे जलोड़ी पास तब तक। सो गाइस हम अब वापस चले हुए हैं जंगलों के बीच से, हमें रास्ता नहीं पता लेकिन हम फिर भी चले हुए हैं जहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है। और चलो फिर यहाँ से कूच की तैयारी की जाए। अब हमें दिख रहा है कि उधर ना ओपन ओपन दिख रहा है, तो हमें हमें लग रहा है कि उस वाली साइड को रास्ता है, तो अब हम उधर जाएंगे, फिर हम पहुंचेंगे जोत। सो गाइस अब ना हमको एक रास्ता मिल गया है, तो अब हमको लग रहा है कि शायद यही रास्ता है जो हमको वापस लेके जाएगा। अभी बता हम कैसे कैसे जंगलों के बीच से चल कर आए हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हो ना ऐसी पगडंडियों के बीच से, जहाँ हमें रास्ता मिला वहाँ वहाँ हम चल के आए हैं। अब फाइनली हमको एक ढंग का रास्ता मिला है, अब देखते हैं हम वापस कब तक पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर बैक एट द प्लेस जहाँ पे हमने कॉफ़ी पी थी, अब हम चाय पी रहे हैं क्योंकि भैया के पास कॉफ़ी के लिए दूध नहीं है। तो अभी हम बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, आई कॉन्ट एक्सप्लेन कि किस तरह से हम पहुँचे हैं यहाँ तक, क्योंकि हम भटक गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये था वो बोर्ड जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी जर्नी की और अब हम पहुँच गए हैं फाइनली भूले भटके हुए वापस। तब हम यहाँ से जा रहे हैं, देयर इज़ आर कार पार्क्ड वहाँ पे, तो अब हम जा रहे हैं वापस, बाय, फाइनल बाय।
सो गाइस, हमें तो मिल गया पांडुरोपा, लेकिन आप हमें बताना आपको ये पांडुरोपा वाली वीडियो कैसी लगी। लाइक करना, बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना, शेयर करना, और ढेर सारा प्यार देना पापा और मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे अंकिता शर्मा के ब्लॉग्स में, बाय।